हेलो नमस्ते सबको फिर से। सो मेरे पीछे है मेरी पैराग, और जैसा कि मैं आपसे बताया था इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो में बनाऊंगा, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो आप इंट्रो में तो देख ही चुके होंगे कि मेरे पैराग पे और क्या क्या चीज़ हो करके रखी हुई है। सो कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं, बस वही सोच रहा हूँ। बोला तूने एक पहले क्या बोला, चल चल चलो। तो रुको जरा, सबर करो। गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस के बारे में कॉमन डिटेल दे देता हूँ। 350 सीसी की बाइक है, 30 bhp पावर है, उसके बाद 32.8 न्यूटन मीटर टॉर्क है। तो 350 सेगमेंट में आप कह सकते हैं ये अच्छा खासा टॉर्क प्रोवाइड कर देती है, और एक्सेलरेशन वगैरह भी है इस पर। ओके तो स्टार्ट करते हैं की से। तो की पे जावा की ब्रांडिंग मिल जाएगी, नॉर्मल ओल्ड स्कूल टाइप की है। और की जो है की आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, बस ये बेसिक पूरा रेट्रो लुक है, आप एक बार ध्यान से देख सकते हैं। ओके तो गाड़ी का कंडीशन देख करके आप बता ही सकते हैं कि मैं गाड़ी बहुत ही बढ़िया और रफ चला चुका हूँ, ठीक है। और हाँ ये बात सच भी है, क्योंकि मैं ये गाड़ी को लेकर के राइडिंग्स वगैरह पे जाता हूँ। राइड लोकेशन मैक्सिमम ऑफ रोडिंग्स टाइप में होते हैं, ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं होता है बट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले गाड़ी के डीमेरिट्स के बारे में आ जाता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है तो डीमेरिट्स ये होता है कि ये सिर्फ सिंगल सीटर मिलता है। मैं खाली कस्टमाइज करवा के एक एक्स्ट्रा पिलियन लगा करके रखा हूँ, वो हो गया। एक और डीमेरिट इसका ये है, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बहुत ही कम है, तो आप इसको ज़्यादा उबड़ खाबड़ रास्तों पे चला नहीं सकते हैं। तो ठीक है, तो अब आ जाते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर में, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पूरा बेसिक क्लस्टर है, ज़्यादा कुछ एडवांस नहीं है। ये आपका फ्यूल इंडिकेटर हो गया, ये आपका ओडोमीटर हो गया, यहाँ पर आपको ये आपका स्पीडोमीटर हो गया, यहाँ पे फ्यूल इंडिकेशंस, एबीएस इंडिकेशंस और बैटरी वगैरह इंडिकेशंस हो जाएंगे। बट अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो ये उल्टा है, तो वो थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप में किसी किसी को प्रॉब्लम हो सकता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट गाड़ी बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ये तो थोड़ा बहुत डीमेरिट्स हो गया जो मैं फेस किया, बट अब आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस के ऊपर, यानी कि जो चीज़ की सबसे बढ़िया है। तो सबसे बढ़िया जो हो गया वो है इसका पूरा लुक्स। लुक्स में आई गेस मेरे को ये बहुत पसंद है, और हेड टर्नर भी है, बिकॉज मैं जहाँ भी इसको ले करके जाता हूँ लोग मुड़ मुड़ के देखते ही हैं। भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना, वो हो गया। यहाँ सुबह से आया, लग रहा है मैं बैठने से ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल, बैठो बैठो। तो आप एक देख सकते हैं उसकी हाइट ज़्यादा भी नहीं है, नॉर्मल है, मेरे से थोड़ा ही हाइट में है वो, बट स्टिल उसके ऊपर वो लुक्स बहुत बढ़िया लग रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉलंटियरिंग सुभाषिस। हो गया, यहाँ से भी अगर आप देख सकते हैं तो लुक्स में बहुत बढ़िया लग रही है ये। तो हेड टर्नर तो ये है ही, उसके बाद जो मेन फीचर्स पे आ जाते हैं वो है इसकी इंजन। 350 सीसी की इंजन है जो कि 30 bhp पावर प्रोड्यूस करती है, और उसके साथ 32.8 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, यानी कि इसका एक्सेलरेशन बहुत टॉप एंड पे जा रहा है, एक्सेलरेशन से बहुत जल्दी क्रिएट कर लेती है। तो आई गेस मैं इसको थर्ड गियर के आसपास 100 क्रॉस करवा देता हूँ। इनफैक्ट मिनिमम 6 to 8 सेकेंड्स के अंदर मैं इसको आराम से 100 टच करवा देता हूँ। उसके बाद रेडिएटर ग्रिल है, यानी कि आप समझ गए होंगे ये लिक्विड कूल्ड है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पे जो हीटिंग इश्यूज होते हैं इसमें, आई नो
आपके पैरों पे कभी कभी फील होगा कि ये हीट हो रहा है, बट क्योंकि ये लिक्विड कूल्ड है ये कूल भी बहुत जल्दी होता है और बहुत अच्छे से होता है। ठीक है, एट लास्ट मैं कस्टमाइजेशंस के बारे में बात कर लेता हूँ अपने गाड़ी के बारे में। तो बिकॉज मैं राइड पे जाता हूँ बोल करके मैं लीवर गार्ड वगैरह लगा करके रखा हूँ दोनों तरफ, लीवर गार्ड हो गया। उसके बाद इसका पुराना मेस वाला रेडिएंट गार्ड था लेकिन वो मेरे को थोड़ा बहुत इश्यूज लग रहा था बिकॉज उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर वगैरह राइड फिर फंस जाते थे, तभी माफ करना होगा। और थोड़ा लुक एनहेंस करने के लिए मैं ये नया रेडिएटर ग्रिप लगा दिया हूँ। तो जहाँ तक मुझे फील हुआ है कि हाँ रेडिएटर का भी एयर फ्लो वगैरह थोड़ा अच्छा हो गया है, हीटिंग इश्यूज अब उतने नहीं हो रहे हैं, हीटिंग से आज कूलिंग बहुत अच्छा हो जा रहा है। दूसरा हो गया ब्रेक्स, अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखे होंगे तो थ्रॉटल वायर में चेंज कराए हैं वो रिसेंटली बिकॉज वो कराना ज़रूरी था, RPM फ्लक्चुएशन इशू आ रहा था उस पर। दूसरा इस पर मैं पिलियन सीट लगाया हूँ क्योंकि वो बहुत ज़रूरी था, अब हर रोज़ सुबह उठ के मम्मी का गाली निकल सकता था मैं। ठीक है, तो आई लव यू मम्मी। उसके बाद और प्रॉपर चेन ऑयलिंग तो मैं करते ही रहता हूँ, लेग गार्ड्स वगैरह ये सब आपको एडिशनल्स लगाने पड़ेंगे उसके साथ बिकॉज नाइट राइड्स वगैरह कर रहता हूँ। तो मैं उस पर HJG का आउल फेयरिंग लगा कर रखा हूँ, इनफैक्ट HJG आउल ऑक्स लाइट्स में लगा करके रखा हूँ, ये रात के टाइम में बहुत बढ़िया काम देता है वो एक है। और लास्ट में जो चेंजेस मैं इस पर करवा के रखा हूँ वो इसका हेडलैम्प में नाइट आई लगा करके रखा हूँ। तो फाइनली एक बार और सुभाषित आ चुका है हमको वॉलेंटियर करने, तो सुभाषित यहाँ पर अभी जस्ट स्टॉकअप टेस्ट कर रहा था। सुभाषित गो वंस मोर। इतना मस्त है यार, मेरा इंटरसेप्टर में तो दबता भी नहीं है तो मस्त जा रहा है यार। ग्राउंड क्लियरेंस कम है लेकिन इसका सस्पेंशन मतलब लॉन्ग राइड्स में आपको दिक्कत नहीं देगा गाड़ी। बढ़िया। और एट लास्ट में सीटिंग एर्गोनॉमिक्स के बारे में हम सुभाषित से ही पूछते हैं। वो आर्थरी गई दोस्तों। एनीवे हम अपने वीडियो पे आते हैं। और सुबह से सीटिंग एर्गोनॉमिक्स इसका कैसा, सीटिंग पोस्चर आपको कैसा लग रहा है? पोजीशन बहुत अपराइट है, बहुत मज़ा आ रहा है चलाने में, बहुत कंफर्टेबल है, मतलब आराम से आप 100-200 किलोमीटर एक ही बारी में एक स्ट्रेच में कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी और सब कुछ फाइन है। और तो देखा दोस्तों सुभाषित का ये अपना ऑनेस्ट ओपिनियंस है बिकॉज सुभाषित के पास ऑलरेडी एक इंटरसेप्टर 650 है, हम उसको भी कवर करने का ट्राई करेंगे। ओके, तो फाइनली जो मैं एक्स्ट्रा पिलियन सीट लगा करके रखा हूँ, ठीक है, इन लोगों का गुल्लू गुल्लू को थोड़ा आप एंजॉय कीजिए तब तक पिलियन। तो डायमंड पीछे जो पिलियन सीट लगा हुआ आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा है, खाली थोड़ा हाइट होता और ओके थोड़ा छोटा छोटा लग रहा है। अच्छा, बाकी का कंफर्टेबल है, कोई इतना दिक्कत नहीं। ठीक है गाइस, तो गाइस वीडियो एंड होने के लिए अब रेडी है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, लास्ट में एग्जॉस्ट नोट अगर नहीं होगा तो आपको किसी को अच्छा नहीं लगेगा, और जैसा कि आपको पता ही है मैं ऑलरेडी इसमें DB किलर निकलवा चुका हूँ, तो विदाउट DB किलर जो साउंड आएगा वो भी आपको मैं सुना देता हूँ। सो सुभाषित एक बार और वॉलंटियर कीजिए प्लीज। तो गाइस ये था विदाउट DB किलर एग्जॉस्ट, और हमारे पूरे टीम की तरफ से आप सबको एक बार और फिर से नमस्ते। वीडियो एंड तक देखे रहेंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और सबसे पहली बात सबसे अच्छी बात आपका सपोर्ट बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, तो सब्सक्राइब।